हेलो एवरीवन आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं एमसीक्यूज की पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज की एक महा वीडियो या फिर मैराथन वीडियो बनाऊंगी तो ये वही वीडियो है इसमें मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं केवल रेलिवेंट वाले ऐसे ही फालतू कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं जो भी मेन पॉइंट्स पर टॉपिक्स पर बन सकते हैं क्वेश्चन वो सब मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में तो ये वीडियो कितनी लंबी होगी इस बारे में मुझे नहीं पता है तो तो आप इस पूरी वीडियो को अगर देख लेंगे तो बहुत आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसके बाद अगर आप चैप्टर वाइज एम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जो बी सेमेस्टर सेकंड की प्लेलिस्ट है उसमें बायोकेमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के uh, uh, मतलब अलग अलग सेपरेटली एम दिए हुए हैं और वो भी इम्पोर्टेंट वाले एम हैं ऐसे ही कुछ uh, नहीं है और वो सारे के सारे एक्सप्लेन वाले एम हैं उनमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है तो अगर आप वो देख लोगे तो यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि को कॉन्सेप्ट समझ आ जा जाएगा ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीफॉसफाजीन पोलीफॉसफाजीन में रिपीटिंग यूनिट क्या होती है चार ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दिया है एन डबल बॉन्ड पी और पी पर दिए हैं दो एक्स सेकेंड ऑप्शन दिया है एन डबल बॉन्ड एन और एन पर दिए हैं दो एक्स देन थर्ड ऑप्शन है पी डबल बॉन्ड पी और पी पर दिए हैं दो एक्स और डी है ऑप्शन नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड एच सी एल इज हीटेड विथ सिलीकॉन पाउडर इन प्रजेंस ऑफ कॉपर एट थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ऑप्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने मिथाइल क्लोराइड और एच सी एल को हीट किया सिलिकॉन पाउडर के साथ कॉपर के प्रजेंस में वो भी टेम्परेचर दिया हमने तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड तब हमारा कौन सा कंपाउंड बनता है तो पहला ऑप्शन ऑप्शन है एस आई सी एल फोर दूसरा ऑप्शन है सी एच थ्री एस आई सी एल थ्री तीसरा ऑप्शन है सी यू सी एल टू और चौथा ऑप्शन है सी सी एल फोर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी एच थ्री सी एस आई सी एल थ्री देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ट्रू सॉलिड ट्रू सॉलिड के लिए दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है गलत है पहला स्टेटमेंट दिया गया है इट हैज़ अ हाई वेपर प्रेशर दूसरा है इट्स मॉलिक्यूल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीसरा है इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड फोर्थ है इट हैज़ अ हाई डेंसिटी एंड अ लो कंप्रेसिबिलिटी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जिसमें दिया है इट हैज़ अ हाई वेपर प्रेशर ट्रू सॉलिड के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि उसका वेपर प्रेशर हाई होगा या लो होगा ठीक है देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक इस जो प्लास्टिक होती है वो किस कैटेगरी में आती है पहला ऑप्शन है इट ट्रू सॉलिड दूसरा ऑप्शन है सूडो सॉलिड बट नॉट नॉट ए तीसरा ऑप्शन है सॉलिड एंड ए और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी सूडो सॉलिड एंड ए देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन बी अरेंजमेंट बी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ठीक है तो जो बी अरेंजमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पहला ऑप्शन है छः दूसरा ऑप्शन है चार तीसरा ऑप्शन है दस और चौथा ऑप्शन है आठ तो जो हमारा राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट मींस फोर जो हमारा बीसीसी अरेंजमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स फोर होते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मॉर्फस सॉलिड जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें बताना है कि ए मॉर्फस सॉलिड कौन सा होता है जो हमारे सॉलिड होते हैं वो असल में दो तरीके के होते हैं एक क्रिस्टलाइन और एक ए मॉर्फस तो हमें ए मॉरफस के बारे में बताना है पहला ऑप्शन है जेड एन एस यानि कि जिंक सल्फाइड दूसरा ऑप्शन है एन ए सी एल जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड तीसरा ऑप्शन है रबर और चौथा ऑप्शन है पी बी एन ओ थ्री का होल्डवाइस यानि की लेड नाइट्रेट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रबर जो रबर होती है वो ए मॉरफस सॉलिड होती है और बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वीज इंडाइसिस ऑफ अ फेस ऑफ क्रिस्टल इज वन रेशियो इनफाइनिट इन्फ़िनिटी रेशियो इन्फिनिटी देन इट्स मिलर इंडाइसिस आर हमें वीस इंडाइसिस दी हैं और हमें इसकी मिलर इंडाइसिस निकालनी हैं ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है आप वहाँ जा से जाकर सीख सकते हो तो इसके चार ऑप्शन हमें दिए हैं जीरो वन वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी देट मीन्स वन ज़ीरो ज़ीरो हमें जो वीस इंडाइस दी हैं वन इन्फिनिटी इन्फिटी उसका जो मिलर इंडाइस होगा वो होगा वन जीरो जीरो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइजेपेम इज़ एन जो डाइजेपेम नाम का एक हमारा ड्रग है वो किस कैटेगरी में आता है वो क्या है पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक दूसरा ऑप्शन है सी एन एस एजेंट तीसरा ऑप्शन है एंटी फंगल और चौथा ऑप्शन है एंटी वायरल एजेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सी एन एस एजेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लिस्टरल ट्राई नाइट्रेट इज़ एन जो जी टी एन के नाम से भी फेमस है तो जी टी एन ग्लिस्टरल ट्राई नाइट्रेट क्या है पहला ऑप्शन है एंटीवायरल एजेंट है दूसरा ऑप्शन है कार्डियोवेस्कुलर एजेंट है तीसरा ऑप्शन है सल्फोनामाइड है या फिर चौथा ऑप्शन नन तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी जिसको हम कहेंगे कार्डियोवेस्कुलर एजेंट तो जो हमारा जी है वो कार्डियोवेस्कुलर एजेंट है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो क्लोरम फेनिकॉल इज सिंथेसाइज्ड पाई जो क्लोरम फेनिकॉल नाम का हमारा ड्रग होता है वो किसकी मदद से सिंथेसाइज किया जाता है क्या उसके रिएक्टेंट होते हैं उसे बनाने के लिए तो पहला ऑप्शन है प्रोपेन डाइऑल दूसरा ऑप्शन है नाइट्रो प्रोपेन डाइल तीसरा ऑप्शन है सेलिसलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है नन तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी नाइट्रो प्रोपेन डाइऑल फिर अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इनमें से जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कौन सा नहीं है तो पहला ऑप्शन दिया है टोमेटोस दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रिंजल तीसरा ऑप्शन दिया है ऑलिव ऑयल चौथा ऑप्शन दिया है ग्रीन वेजिटेबल इसका सही आंसर असल में बी होगा ब्रिंजल होगा मैंने यहाँ मार्क गलत कर दिया है लेकिन आप अगर सुन रहे हो मेरी वीडियो तो आप सही ऑप्शन बी होना चाहिए ब्रिंजल होना चाहिए तो आप उसको सही कर लेना ठीक है बाकी मैं कमेंट सेक्शन में पिन पिन कर दूँगी तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो देन अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से है ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन है वाइट डाई दूसरा ऑप्शन है एनहेंसिंग डाई तीसरा ऑप्शन है एजो डाई और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोडाई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाइट डाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाई इंडस्ट्री वॉट सॉरी वेट डाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जो वाट डाई होती हैं या वेट डाई होती हैं उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होगा आप तो सिंबल वी लगाए होगे लेकिन इसका सही सिंबल आई होता है तो जो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जिसमें दिया हुआ है आई देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाई इज यूज एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूजिंग ई डी टी ए जो हमारा ई डी टी ए होता है जो टाइट्रेशन होती है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जिसमें हम ई डी टी ए का इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सी डाई हमारी इंडिकेटर की तरह काम करती है मतलब सूचक की तरह काम करती है पहला ऑप्शन है एरियोक्रोम ब्लैक टी दूसरा ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज तीसरा ऑप्शन है मिथाइल रेड और चौथा ऑप्शन है कॉन्गो रेड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एरियोक्रोम ब्लैक टी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द दा फॉलोइंग डाई इज यूज एज मेडिसिनल पार्ट मतलब अगर हम मेडिसिन के फॉर्म में देखें तो इनमें से कौन सी डाई मेडिसिन में काम आती है तो चार ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट दूसरा ऑप्शन है कॉन्गो रेड तीसरा ऑप्शन है एलीजेरिन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रिस्टल वायलेट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ पहला ऑप्शन है स्टाइरीन दूसरा ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड तीसरा ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल एंड चौथा ऑप्शन है नन तो जो ऑरलोन होता है उसका असल में क्या पूछा गया है मोनोमर पूछा गया है तो जो एक्राइलोनाइट्राइल होता है वो होता है ऑरलोन का आ, आ, मोनोमर ठीक है तो ऑर्लोन का दूसरा नाम क्या है पैन पी ए एन क्या पॉली उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी पॉलीमर से है वो कुछ इस तरीके से है कि नेचुरल रबर इज़ ऑप्शन ए है सिस वन फोर पॉली आइसोप्रीन ऑप्शन बी है ट्रांस वन फोर पॉली आइसोप्रीन ऑप्शन सी है सिस वन थ्री आइसोप्रीन एंड डी नन तो इसका राइट right आंसर है सिस वन फोर पॉली आइसोप्रीन दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम एक्ट एस जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है जिसे हमने पॉलीथीन बनाने में भी देखा था हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम में आता है तो उसमें जो टाइटेनियम होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है पहला ऑप्शन है लुइस बेस दूसरा ऑप्शन है लुइस एसिड तीसरा ऑप्शन है ब्रॉन्सटेड बेस और डी है नन तो टाइटेनियम हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस एसिड जो टाइटेनियम होता है वो लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है लुइस एसिड क्या हुए? होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ठीक है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपोलीमर दिए हुए चारों ऑप्शन में से कौन सा एक होमोपोलीमर है होमोपोलीमर का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर जुड़े हुए होंगे तो पहला ऑप्शन है नाइलॉन सिक्स दूसरा ऑप्शन है नाइलॉन सिक्स सिक्स तीसरा ऑप्शन है सैरन एंड चौथा ऑप्शन है डेक्रोन तो इसका राइट आंसर है नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स का जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पॉलीमर ऑफ क्लोरोपिन क्लोरोप्रीन जो होता है उस वो मतलब वो आपस में मिलकर कौन से पॉलीमर की फॉर्मेशन करता है या कह सकते हैं कि क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है तो पहला ऑप्शन है ब्यूना एस दूसरा ऑप्शन है ब्यूना एन तीसरा ऑप्शन है नियोप्रीन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नियोप्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन दिए हुए कौन से जो ऑप्शन हैं दिए हुए कौन से पॉलीमर में नाइट्रोजन होता है पहला ऑप्शन है टैफलॉन दूसरा ऑप्शन है पी तीसरा ऑप्शन है नाइलॉन और चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नाइलॉन नाइलॉन में जो होता है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है और ये क्या होते हैं इनमें अमाइड लिंकेज भी प्रेजेंट होती है अमाइड लिंकेज का मतलब है सी ओ एन एच लिंकेज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरिनेटेड पॉलीमर फ्लोरीनेटेड पॉलीमर का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसमें फ्लोरिन का इस्तेमाल हुआ है ठीक है जैसे क्लोरीनेटेड बोलते हैं उसमें क्लोरिन का इस्तेमाल होता है ऐसे ही फ्लोरीनेटेड का मतलब है फ्लोरिन का इस्तेमाल पहला ऑप्शन है टेफलॉन दूसरा ऑप्शन है औरलॉन तीसरा ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन चौथा ऑप्शन है नायलॉन सिक्स टेन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टेफलॉन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर तो पहला ऑप्शन है बेकेलाइट दूसरा ऑप्शन है नायलॉन सिक्स तीसरा ऑप्शन है नेचुरल रबर चौथा ऑप्शन है नन तो जो नाइलॉन सिक्स है वो फाइवर है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइलॉन सिक्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेनॉल सिलेनॉल क्या है अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी हिंट बताती हूँ कि सिलेनॉल बोल रहा है तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है ओ एल ओल है ना और ओल जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं एल्कोहल के लिए यूज करते, है? करते हैं तो आप कहीं कहीं ऐसे नाम के अकॉर्डिंग भी एम सी क्यू में मतलब केवल एम सी क्यू की बात बता रही हूँ नाम के अकॉर्डिंग भी आप जज कर सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप असल में उसमें प्रेजेंट होगा जैसे कई नामों में ओन लगा हुआ होता है ओ एन ई ओन तो वो क्या होता है असल में वहाँ पे कीटोन की प्रेजेंस होती है है ना तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं सी एच थ्री एस आई सी एल थ्री एच टू एस आई ओ थ्री आर थ्री एस आई ओ एच और चौथा ऑप्शन है एस आई एच फोर तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर थ्री एस आई ओ एच दैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफ क्लॉथ्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा तो अगर टफ पेपर बना तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन सा दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फायर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने के काम में आता है पहला ऑप्शन है बोराजीन दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोनाइट्राइड क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी फॉस्फोनाइट्राइड क्लोराइड ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस देखते हैं तो आगे के क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर कौन सा दिया हुआ पॉलीमर एक नेचुरल प्राकृतिक पॉलीमर है पहला ऑप्शन है सिल्क दूसरा ऑप्शन है नाइलॉन सिक्स तीसरा ऑप्शन है बैकेलाइट चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन तो इसमें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिल्क हम सब जानते हैं सिल्क वॉर्म के बारे में हम सब जानते हैं सिल्क मौत के बारे में हम सब जानते हैं वहीं से हमें कुकून की फॉर्मेशन करने के बाद क्या मिलता है सिल्क मिलता है ठीक है तो जो सिल्क होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को पॉलीमर कोपोलीमर का मतलब है कि जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर जुड़े हुए होते हैं तो पहला ऑप्शन है डेकरॉन दूसरा ऑप्शन है टेरिल तीसरा ऑप्शन है नायलॉन सिक्स टेन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ दिस जिसका मतलब है कि डेकरॉन टेरिलीन और नायलॉन सिक्स टेन तीनों ही कोपोलीमर्स हैं तीनों को ही बनाने में डिफरेंट टाइप के मोनोमर लगे होंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रो मोलिक्यूल बट नॉट अ पॉलीमर अच्छा तो ये कहना चाहता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि वो एक मैक्रो मोलिक्यूल तो है मैक्रो मोलिक्यूल का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसका बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होता है लेकिन वो पॉलीमर नहीं है ठीक है तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी ट्वेल्व कॉम्प्लेक्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ देम मतलब तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लेकिन पॉलीमर नहीं हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फॉस्फाजीन्स आर जो फॉस्फाजीन्स होते हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं उनमें कौन कौन से मेन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मतलब जो उनका ढांचा होता है वो किस चीज़ से बना होता है तो पहला ऑप्शन है फॉस्फोरस नाइट्रोजन क्लोरीन दूसरा ऑप्शन है सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस नाइट्रोजन और सल्फर और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड क्लोरीन देन अगला क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन्स पहला ऑप्शन है आर एस आई ओ टू दूसरा ऑप्शन है आर टू एस आई टू ओ फोर तीसरा ऑप्शन है आर आई फोर एस आई फोर ओ फोर एंड चौथा ऑप्शन है नन जो सिलिकॉन्स होता है उनका जनरल फार्मूला क्या होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर एस आई ओ टू अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कौन सा कौन सी तरीके के पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है पहला ऑप्शन है सिलिकॉन्स दूसरा ऑप्शन है पॉलीफॉस्फेट्स तीसरा ऑप्शन है फॉसफाजीस चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी पॉलीफॉस्फेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट्स यूज एज इल्यूशन इन जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी जो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है हमारा मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन का पॉलीमर्स के लिए तो उसमें इल्यूशन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है पहला ऑप्शन है ग्लोरोफॉम दूसरा ऑप्शन है डाई मिथाइल फॉर्मामाइट और तीसरा ऑप्शन है ज़ाइलिन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ़ देम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लास्ट दैट मींस ऑल ऑफ देम। ये तीनों ही जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उसे हम जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में इल्यूशन के लिए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ द वे टू डिटरमाइन जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होता है उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं तो ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ पॉलीमर ऑप्शन बी है मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ पॉलीमर और चौथा ऑप्शन है नल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी होती है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी कैन बी शोन एस पहला ऑप्शन दिया है ईटा ये एन नहीं है ये ईटा है जो विस्कोसिटी होती है उसे हम ईटा से डिनोट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं छोटा एन बना के एक डंडा लंबा कर देते हैं तो ईटा एस पी इक्वस टू ईटा माइनस ईटानॉट अपॉन नॉट दूसरा ऑप्शन है ईटा एस पी इक्वस टू ईटा आर माइनस वन तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो सी ऑप्शन होना है बोथ वाला वो सही ऑप्शन है देखो ये इम्पॉर्टेंट बस इसलिए है कि अगर पेपर बाय चांस टफ़ आता है तो यही टफ़ क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं जो बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे लेकिन हमारे मार्क्स कहाँ बढ़ते हैं जब हम ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं तो जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ये दोनों ही तरीके से हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी को दिखा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज इक्वल टू जो रिड्यूस विस्कोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है तो पहला ऑप्शन है ईटा रिड्यूस इक्वल्स टू ईटा एस पी अपॉन सी यहाँ सी कंसेंट्रेशन के बारे में बता रहा है दूसरा ऑप्शन है ईटा रिड्यूस्ड इज इक्वल्स टू वन माइनस सी अपॉन ईटा एस पी तीसरा है ईटा रिड्यूस इक्वल्स टू सी माइनस ईटा एस पी चौथा है नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए दैट मीन्स ईटा रिड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एन सॉरी ईटा एस पी अपॉन सी इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डी पी इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम किस से मतलब क्या फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है तो पहला ऑप्शन है कैपिटल एम बाई स्मॉल एम कैपिटल एम का मतलब है मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर और छोटे एम का मतलब है मॉलिकुलर मास ऑफ मोनोमर ठीक है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाकी ऑप्शंस से कंफ्यूज मत होना हमेशा ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यही होती है कि पॉलीमर का जो मॉलिकुलर वेट होता है अपॉन मोनोमर का जो मॉलिकुलर वेट होता है उसके इक्वल होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देन अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च चार ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन है ग्लूकोस दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं क्यों क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है ठीक है इसके बाद केमिकल नेम ऑफ एस्पेरिन इज जो एस्पेरिन नाम है सब ने सुना होगा तो उसका केमिकल नेम क्या होता है केमिकल नेम uh, से मतलब है कि क्या फॉर्मूला है हम उसका नाम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे सकते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है सेलिसलिक एसिड दूसरा ऑप्शन दिया है सेलिसल डिहाइाइड तीसरा ऑप्शन दिया है एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड और चौथा ऑप्शन दिया है नन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सिंपल शुगर्स जो सिंपल शुगर्स होती हैं उनका ढांचे वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है सबसे पहला ऑप्शन है सी एच टू ओ दूसरा ऑप्शन है सी टू एच टू ओ फोर तीसरा ऑप्शन है सी एच टू ओ टू चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज सी एच टू ओ ठीक है कार्बन सी एच टू ओ से मतलब है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से मतलब होता है कि हर कार्बोहाइड्रेट मतलब हर सिंपल शुगर में इतना तो होगा ही होगा एक कार्बन होगा ही होगा दो हाइड्रोजन होंगे ही होंगे और एक ऑक्सीजन होगा ही होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आर पहला ऑप्शन दिया है ऑप्टिकली एक्टिव दूसरा ऑप्शन दिया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स तीसरा ऑप्शन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ तीस तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑल ऑफ तीस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं एल्डीहाइड भी होता है और कीटोन भी हो सकता है एल्डीहाइड की जगह और सी है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन के साथ एच टू ओ मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है तो वो हो गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट्स को इन तीनों ही चीजों से जाना जाता है उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई सेकराइड इनमें से कौन सा एक डाई सेक्राइड है पहला ऑप्शन दिया है माल्टोस दूसरा ऑप्शन दिया है स्टार्च तीसरा ऑप्शन दिया है गैलेक्टोस चौथा ऑप्शन दिया है ग्लूकोस तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए जो कि है माल्टोस माल्टोस हमारा एक डाई सेक्राइड होता है स्टार्च हमारा एक पॉली सेकेराइड होता है गैलेक्टोज हमारा मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोस तो सब जानते हैं है, ये भी एक मोनोसेके राइट है अगला क्वेश्चन देखते हैं द रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेल्यूलोज इज जो सेलुलोज है वो भी हमारा क्या है पॉलीसेकेराइड है तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो क्या होती है रिपीटिंग यूनिट से मतलब है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बार 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 जुड़ता जा रहा है और पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहा है ठीक है तो जो सेलुलोज है उसमें क्या होती है रिपीटिंग यूनिट देखते हैं पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है लेक्टोज ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी किससे बना होता है केवल और केवल ग्लूकोज से बना होता है ग्लूकोस के बहुत सारे हजारों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जोड़कर सेलुलोस को बनाते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिथ्रोस एंड थ्रियोस इन गिवन आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बी आपको इन दोनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इरिथ्रोज़ वाले स्ट्रक्चर को बताता है और कौन सा स्ट्रक्चर थ्रियोज वाले स्ट्रक्चर को बताता है ठीक है अब पहले और दूसरे मतलब ए और बी में पहले ये देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है तो देखो फ़र्क बस इतना है कि ए में अगर मैं देखूं तो दोनों ओ OH एच एक ही साइड हैं और दोनों एच एक ही साइड हैं और जब मैं बी में देख रही हूं तो जो बीच वाले दो तो कार्बन हैं उसमें ओ OH एच अलग अलग अपोजिट साइड पर हैं और एच अपोजिट साइड पर हैं तो एक इसकी छोटी सी ट्रिक होती है कि थ्रीओज आप ऐसे समझ सकते हो थ्रियो है ना थ्रो मतलब दूर फेंक दो ठीक है तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो ओ एच हैं या एच हैं वो दूर दूर हैं वो एक ही तरफ नहीं है वो दूर दूर हैं अपोजिट जगह हैं तो जो बी होगा वो होना चाहिए थ्रियोस और जो ए है वो होना चाहिए इरेथ्रोस एरेथ्रोज में दोनों एक ही साइड होते हैं और थ्रियोस में दोनों अलग अलग साइड होते हैं तो ऑप्शन ए दिया है ए इज़ इरेथ्रोस बी इज़ थ्रियोस ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड बी आर एरेथ्रोस ऑप्शन सी है ए इज़ इरेथरोज एंड बी इज़ थ्री ओज एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर थ्री ओज तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जो ए है वो एरि है और जो बी है वो थ्री ओज़ है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि डी प्लस ग्लूकोज इज़ ऑल्सो नोन एस जो डी प्लस ग्लूकोज़ है उसका दूसरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि डी और एल जो नाम आगे मतलब लेटर लिखे हुए होते हैं असल में वो क्या होता है कि जो कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की पोजिशन होती है उसके हिसाब से हम डी और एल कॉन्फिग्रेशन को आ, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के नाम के आगे लगा देते हैं तो जो डी प्लस ग्लूकोज़ है उसका दूसरा नाम क्या है क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो ऑप्शन है मेलन शुगर दूसरा ऑप्शन है ग्रेप शुगर तीसरा ऑप्शन है नोटेड शुगर और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रेप शुगर फिर अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज ऑन रिडक्शन बाय एच आई स्लैश पी गिफ्ट जो ग्लूकोज होता है जब हम उसका रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि एच आई से कराते हैं किसकी प्रेजेंस में फास्फोरस की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है तो पहला ऑप्शन है सॉर्बिटोल दूसरा ऑप्शन है एन तीसरा ऑप्शन है साइनोहाइड्रिन, चौथा ऑप्शन है ऑक्साइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनहेक्जेन एनहेक्जेन का सिंपल सा मतलब है नॉर्मल सिक्स कार्बन की जो चेन होती है वो हो गया एनहेक्जेन ठीक है एल्केन वाली उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ बी आर टू स्लैश एच ओ एच अगर ग्लूकोज़ की रिएक्शन हम बी आर टू स्लैश एच ओ एच का मतलब है ब्रोमीन वाटर ठीक है तो अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में या ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तब क्या बनता है पहला ऑप्शन है ग्लूकैरिक एसिड दूसरा ऑप्शन है ग्लूसीटॉल तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोनिक एसिड और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्लूकोनिक एसिड जो ग्लूकोनिक एसिड है और जो ग्लूसैरिक एसिड है आप उसमें कन्फ्यूज़ मत होना आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्लूसैरिक एसिड के बारे में भी बताया गया है है, तो आप ये याद रखना कि ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराने पर हमें ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है और ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराने पर हमें ग्लूकैरिक एसिड मिलेगा ठीक है तो ग्लूकोज का जब हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तब हमें ग्लूकोनिक मिलता है ग्लूकैरिक नहीं मिलता है उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ, कुछ इस तरीके से है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एन एच टू ओ एच गि अब यहाँ पर जो एन एच टू ओ एच है वो क्या है एन एच टू ओ एच का मतलब है हाइड्रोक्सिल अमीन ठीक है तो हाइड्रोक्सिल अमीन से जब भी हम किसी एलडीहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा ही हमें ऑक्साइम मिलता है तो जो ग्लूकोज़ है उसमें भी एलडीहाइड ग्रुप होता है तो ग्लूकोज की रिएक्शन एन एच टू ओ एच कराने से हमें क्या मिलता है पहला ऑप्शन है साइनोहाइड्रेट दूसरा ऑप्शन है ऑक्साइम तीसरा ऑप्शन है ओसाजोन और चौथा ऑप्शन है एन हेगेन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्साइन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन सी एस सी एल ईच सी एस आयन इज सराउंडेड बाई हाउ मैनी क्लोराइड आयन्स जो सी एस सी एल का क्यूबिक क्रिस्टल है क्यूबिक लेटिस है उसमें प्रत्येक ईच मतलब प्रत्येक प्रत्येक सीज़ियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है छः दूसरा ऑप्शन है फोर यानी कि चार सी सी ऑप्शन है एट और डी ऑप्शन है टेन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ के सी एल के सी एल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है पहला ऑप्शन है एफ सी सी एफ सी सी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसके बाद ऑप्शन बी है बी सी सी उसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूब फिर है सी सिंपल क्यूबिक जो बिल्कुल सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक और डी ऑप्शन है हमारा नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी सिंपल क्यूबिक जब भी हम एक्सरे की मदद से के का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो हमेशा ही सिंपल क्यूबिक आता है अगला क्वेश्चन है स्टॉप कोडोन्स कैन बी शोन एस मतलब जो स्टॉप कोडोन्स है वो कौन कौन से होते हैं सिंपल सा ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई है तो पहला ऑप्शन है यू ए ए दूसरा ऑप्शन है यू ए जी तीसरा ऑप्शन है यू जी ए और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ़ देम तो ये जो तीनों दिए हुए हमें तीनों टाइप के कोड दिए हुए हैं कोडोन्स दिए हैं ये तीनों ही स्टॉप कोडोन्स का काम करते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर एंजाइम्स? एंजाइम्स के लिए दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर दूसरा ऑप्शन है दे आर यूज इन लार्ज अमाउंट्स तीसरा ऑप्शन है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और चौथा ऑप्शन है एंजाइम्स कांट इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी अब देखो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है पहला ऑप्शन दे आर स्पेसिफिक इन नेचर स्पेसिफिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी एंजाइम है उसका जो काम है वो केवल वही करेगा ठीक है वो किसी और काम में अपना दखल नहीं देगा दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि एंजाइम लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है तो बिल्कुल गलत है एंजाइम क्या होता है एंजाइम बायो कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक का, का काम करता है और उत्प्रेरक हमें कैटलिस्ट हमें हमेशा ही छोटे अमाउंट में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो बिल्कुल गलत है टेम्परेचर के फर्क से टेम्परेचर को बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाती है एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है चौथा ऑप्शन है एंजाइम्स कांट इंक्रीज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन हमें तो पता है एंजाइम का जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर ही पड़ता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि वो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज जो प्रोटीन का बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है वो क्या कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होता है पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर दूसरा ऑप्शन है टर्शरी स्ट्रक्चर तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और चौथा ऑप्शन है नन तो सही आंसर है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो मेनली मुख्य रूप से मेनली दो ही तरह से पाया जाता है एक एल्फा हेलिक्स की फॉर्म में और एक बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म में ठीक है अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज विथ एच सी एन एच सी एन का मतलब हो गया हाइड्रोजन साइनाइड तो जब हम फ्रक्टोज की रिएक्शन एच सी एन से कराते हैं तब हमें क्या मिलता है पहला ऑप्शन है ऑक्साइम दूसरा ऑप्शन है साइनोहाइड्रिन तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजोन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर हो गया साइनोहाइड्रिन अब फ्रक्टोज की बात हो चाहे ग्लूकोज की बात हो अगर एच से इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगी या किसी भी हम एल्डिहाइड या कीटोन से इनकी रिएक्शन कराएँ तो हमें हमेशा ही साइनोहाइड्रिन मिलेगा ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर जो ग्लूकोज है और जो गैलेक्टोज़ है वो आपस में कैसा रिश्ता रखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है पहला ऑप्शन है सी फॉर एपीमर्स दूसरा ऑप्शन है सी टू एनोमर्स तीसरा ऑप्शन है सी फोर एनोमर्स और चौथा ऑप्शन है सी टू एनीमर्स एपीमर्स तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सी फॉर एपीमर्स उसके बाद अगला क्वेश्चन है पॉलीसेक्राइड्स आर पहला ऑप्शन है नॉन शुगर्स दूसरा ऑप्शन है शुगर्स तीसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग और चौथा ऑप्शन है नन तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए नॉन शुगर्स अब देखो जो हमारे बी और सी ऑप्शन दिया है शुगर और रिड्यूसिंग तो ये दोनों तो सेम हो गए ना कि जो शुगर होगी वो हमेशा ही रिड्यूसिंग नेचर की होगी लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि जैसे सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर की भी होती है एक कैरेक्टर हम मान सकते हैं कि जो शुगर होती है उसका नेचर लगभग लगभग रिड्यूसिंग होता है लेकिन सबका नहीं होता है तो जो पॉलीसेकेराइड्स होती हैं वो तो शुगर भी नहीं होती हैं वो क्या होती हैं वो नॉन शुगर होती हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एल्डो ट्रायोस अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है कि जो एल्डो का मतलब है वो हो गया एल और ट्रायोस का मतलब हो गया तीन है ना तीन की बात चल रही है ऐसे ही हेग्जोस लिखा होगा तो बात चल रही है छः कार्बन का कंपाउंड तो ऐसा तीन कार्बन का कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो ऑप्शन ए है ग्लूकोस, ऑप्शन बी है सुक्रोज ऑप्शन सी है ग्लिसरल डिहाइड और ऑप्शन डी है गैलेक्टोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरल डिहाइड ठीक है देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से भी ये पता चल गया कि स्टार्च क्या है स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन किसका पॉलीसेकेराइड है जब हम पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं तो मतलब ये किसी ना किसी से मिलकर बना होगा कुछ ना कुछ इसकी रिपीटिंग यूनिट होगी तो पहला ऑप्शन दिया है गैलेक्टोज दूसरा ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन तीसरा ऑप्शन दिया है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन दिया है नन तो जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्लूकोज स्टार्च किससे मिलके बना होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है अगला क्वेश्चन है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अब जो हमारे प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी तो प्रोटीन का जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से किस में पाया जाता है सबसे पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज दूसरा ऑप्शन है केरेटिन तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और चौथा ऑप्शन है नन तो जो सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है सेलुलोज तो हमारा प्रोटीन है ही नहीं सैलुलोज तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है केरेटिन प्रोटीन होता है जो हमारे नेल्स में बालों में होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनो बार्बिटल कम्स अंडर द कैटेगरी जो फिनो बार्बिटल नाम के ड्रग्स होते हैं वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं ये हमसे पूछा है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं पहला ऑप्शन है सी एन एस एजेंट या फिर हम इनको शॉर्ट में कहें तो ट्रैंक्लाइजर्स भी कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन है सी वी एजेंट्स तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स और चौथा ऑप्शन है नन ठीक है सी एन एस एजेंट का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो काम करते हों और सी वी एजेंट्स का मतलब हो गया कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर जो काम करते हों तो जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए सी एन एस एजेंट या फिर ट्रैंक्विलइजर आपको ऑप्शन में से जो दिया हो आप वो टिक कर सकते हो अगला क्वेश्चन है ए सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज पहला ऑप्शन है ट्रू सॉलिड्स दूसरा ऑप्शन है फॉल्स सॉलिड तीसरा ऑप्शन है सुपर कूल्ड लिक्विड्स और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी अब जो ए मॉरफस सॉलिड्स हैं जैसे कि बी और सी दिया है तो ऑप्शनस हो गए फॉल्स सॉलिड्स होते हैं मतलब झूठे सॉलिड्स होते हैं या फिर इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जानते हैं जो हमारे सॉलिड्स हैं जैसा कि हमें पता है दो तो तरीके के सॉलिड्स होते हैं एक ए मॉरफस होते हैं जिनकी कोई सेम शक्ल नहीं होती है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कि जिनको अगर हम काटें तो सेम शक्ल के हमें दो हिस्से मिल जाएंगे ठीक है तो जो एम सॉलिड्स होते हैं वो असल में झूठे सॉलिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं फॉल्स सॉलिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर कह सकते हैं स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके अलावा इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है फिनॉपथिलीन इज़ प्रिपेयर्ड बाई जो हमने फिनॉल फिथिलीन या फिर फिनॉपथिलीन जैसे भी आप अनाउंस करो तो इसके बारे में हमने सुना है तो इसकी जो इसको जो हम किस आ, कौन कौन से रिएजेंट्स की मदद से बनाते हैं ये हमसे पूछा है पहला ऑप्शन है थैलिक एनाहाइड्राइट प्लस जेड टू थैलिक एनहाइड्राइड और जिंक क्लोराइड की मदद से दूसरा ऑप्शन है फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड प्लस जेड एन सी एल टू तीसरा ऑप्शन है रिसोर्सिनॉल प्लस जेड एन सी एल टू और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड और किसकी प्रेजेंस में जेड एन सी एल टू की प्रेजेंस में अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि जो आपने ऑप्शन सी देखा है रिसोर्सिनॉल प्लस जेड एन सी एल टू उसमें क्या है जब हम रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइट से कराते हैं मतलब फिनॉल की जगह हम रिसोर्सिन ले लें और थैलिक एनहाइड्राइट की रिएक्शन कराएं उसके साथ और किसकी प्रेजेंस में जेड एन सी एल टू की प्रेजेंस में तब एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम फ्लोरोसीन के नाम से जानते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे फिनोपथिलीन के बारे में पूछा ऐसे ही वो फ्लोरोसीन के बारे में भी पूछ सकते हैं तो फ्लोरोसीन का अगर नाम आएगा तो आप रिसोर्सिन वाला ऑप्शन लगाओगे और जब हमारा फिनोपथिलीन का नाम आ रहा है तो हम फिनॉल वाला ऑप्शन लगाएंगे देखो फिनोपथिलीन के नाम में ही फिनॉल जुड़ा हुआ है तो मतलब हमने फिनॉल तो लिया ही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फिनॉल फिथिलीन इज अ टाइप ऑफ कौन से टाइप की डाई डाई है ये या कौन सी कैटेगरी में आती है ये तो पहला ऑप्शन है एजो डाई दूसरा ऑप्शन है वाट डाई तीसरा ऑप्शन है थैलीन डाई और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी थैलीन डाई इसके नाम में ही थैलीन आ रहा है तो आप बिल्कुल सिंपल पहचान लोगे कि ये एक तरीके की थैलीन डाई है ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एलिजेरिन इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम एलीजेरिन भी क्या है एलिजेरिन भी एक फेमस डाई है तो वो हमें कहाँ से मिलती है सबसे पहला ऑप्शन है रूट्स ऑफ मेडर प्लांट मेडर प्लांट की जड़ों से दूसरा ऑप्शन है रूट्स ऑफ कॉफी प्लांट तीसरा ऑप्शन है रूट्स ऑफ तुलसी प्लांट और चौथा ऑप्शन है स्टेम ऑफ मेडर प्लांट ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूट्स ऑफ मेडर प्लांट जो हमारा मेडर प्लांट होता है उसकी जड़ों से ये बहुत फ़ेमस पॉइंट है बहुत फेमस डाई है ये हमेशा ही हमें मेडर प्लांट के रूट से मिलती है अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कॉफ़ी का नाम आया है तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो मैडर प्लांट है उसकी जो फैमिली है बॉटनी वालों को पता होगा उसकी जो फैमिली है वो भी क्या है रूबीएसी फैमिली है और रूबीएसी फैमिली किसकी होती है कॉफ़ी की भी होती है है ना इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्राक्विनोन डाई इनमें से दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से कौन सी डाई एंथ्रा डाई के अंदर आती है पहला ऑप्शन है मेलेचाइड ग्रीन दूसरा ऑप्शन है एलिजेरिन तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलीजेरिन जो एलिजेरिन है वो क्यों, कौन सी कैटेगरी की डाई है एंथ्रा क्विनोन कैटेगरी की डाई है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बर्थ प्लेस ऑफ इंडिगो इज इंडिगो जो हमारी एक फेमस ब्लू डाई है वो उसका बर्थ प्लेस क्या है कहाँ से ये निकली कौन सी जगह से तो पहला ऑप्शन है चाइना दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन सी इंडिया इंडिया ठीक है अब इंडिगो से इंडिया आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है देन अगला क्वेश्चन है इंडिगो डाई इज़ यूज फॉर डाइंग मेनली जो इंडिगो डाई है वो मेनली किस तरीके के फैब्रिक को डाई करने के कलर करने के रंगने के काम में आती है पहला ऑप्शन है सिल्क दूसरा ऑप्शन है कॉटन तीसरा ऑप्शन है वूल तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कॉटन कॉटन को रंगने के काम आती है इंडिगो डाई मेनली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है अगर किसी ने पढ़ा हो कि जो कलर हम देखते हैं जो कलर हम देखते हैं असल में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आंखें एब्जॉर्ब करती है ठीक है तो अब जो ब्लू कलर है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब पूरक वाला रंग होगा पूरक रंग होगा वो क्या होगा तो पहला ऑप्शन है पर्पल दूसरा ऑप्शन है ऑरेंज तीसरा ऑप्शन है येलो और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी येलो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं ऑरेंज भी टिक होता है तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप येलो टिक कर कर आना और अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिए हैं ऑरेंज दिया है येलो नहीं दिया है तो आप ब्लू के लिए ऑरेंज भी टिक कर सकते हो ठीक है इसके बाद विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोफोर क्रोमोफोर का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है पहला ऑप्शन है कार्बोनेट दूसरा ऑप्शन है ओ oh, एच तीसरा ऑप्शन है हेलोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोसो तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा ऑप्शन नाइट्रोसो जो नाइट्रोसो है वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है क्रोमोफोर का मतलब है कि, कि किसी भी कलर्ड कंपाउंड में जो डाई की तरह एक्ट करती है उसमें रंग कहाँ से आता है इस क्रोमोफोर की वजह से आता है ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द क्रोमोफोर ऑग्जोक्रोम थ्योरी वॉज गिवन बाई जो क्रोमोफोर ऑग्जोक्रोम थ्योरी है सिद्धांत है वो किसने दिया था पहला ऑप्शन है एच विल्किनसन दूसरा ऑप्शन है ए हेनरी तीसरा ऑप्शन है ऑटोविट और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी ऑटो विट अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्लस आई या फिर माइनस आई ग्रुप अफेक्ट्स वेवलेंथ लेंथ एस अगर किसी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता हो या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करता हो तो उससे वेवलेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस वेवलेंथ दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस वेव तीसरा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन वेव और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीजेस वेवलेंथ जो वेव लेंथ होती है वो हमेशा ही बढ़ जाती है अच्छा ये याद रखना अगर वेव लेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी हमेशा ही कम हो रही है ठीक है क्योंकि एनर्जी और वेव लेंथ आपस में उल्टा रिश्ता रखते हैं इन्वर्स रेशियो रखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग डाई दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी डाई प्राकृतिक रूप से पाई जाती है नेचुरली पाई जाती है पहला ऑप्शन है इंडिगो दूसरा ऑप्शन है रेड, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल साइनाइड और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिगो ठीक है इंडिगो हमें नेचुरली तौर पे, नेचर के तौर पे मिल जाती है प्राकृतिक तौर पे मिल जाती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर जब हम एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं तो इनमें से कौन सी डाई जो है वो एक इंडिकेटर का काम करती है सूचक का काम करती है तो पहला ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज दूसरा ऑप्शन है फिनॉल फिथिलीन तीसरा ऑप्शन है कॉन्गो रेड और चौथा ऑप्शन है ऑल तो इसका राइट right आंसर है ऑल क्योंकि ये तीनों ही डाइज जो हैं वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर का काम करती हैं आपको फर्स्ट सेम में कराया भी था इसका एक प्रैक्टिकल आपको याद होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोई भी कंपाउंड अगर कलर्ड है तो उसमें कलर किसकी वजह से किसके होने की वजह से आता है पहला ऑप्शन है ऑक्सोक्रोम दूसरा ऑप्शन है ओ आर ग्रुप्स तीसरा ऑप्शन है सी डबलू एच ग्रुप और चौथा ऑप्शन है क्रोमोफोर तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्रोमोफोर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कंडीशंस फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज डाई मतलब ऐसी क्या कंडीशंस हैं ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि किसी सब्सटेंस को के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो डाई की तरह एक्ट कर सके तो पहला ऑप्शन है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इट्स टू मटेरियल मतलब उस डाई का जो भी कलर है तो उसमें इतनी पावर हो कि वो किसी भी फैब्रिक को कपड़े को अपना कलर दे पाए ठीक है फिक्स कर पाए अगला ऑप्शन है रेजिस्टेंट टू वाटर सोप एंड डिटर्जेंट्स रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर उस कपड़े पर डाई होने के बाद पानी पड़ जाए सोप पड़ जाए साबुन से धो दें या डिटर्जेंट सर्फ़ से धो दें तो वो कलर छुटना नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इट मस्ट बी फास्ट टू सनलाइट हीट एंड अदर कंडीशंस और ये हीट और सनलाइट की वजह से भी ख़राब ना हो उसका कलर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ़ देम तो इसके चारों तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो होगा करेक्ट आंसर मतलब ऑल ऑफ देम है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दिए हुए करे उसमें से ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा कथन सही है पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रो मे मोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स ठीक है सारे के सारे पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मोलिक्यूल्स का सिंपल सा मतलब है ऐसे बड़े मोलिक्यूल्स जिनका बहुत ज़्यादा वजन होता है मोलिकुलरवास होता है ठीक है तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि सारे पॉलीमर्स मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं बट लेकिन सारे मैक्रो मोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं ठीक है अब दूसरा कथन क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है ऑल डाइज आर कलर्ड बट ऑल कलर्ड कंपाउंड्स आर नॉट डाइज ठीक है सारी डाइज कलर्ड होती हैं लेकिन सारे कलर्ड कंपाउंड्स डाइज नहीं होते हैं तो ये तो सही बात है फिर तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं कि जो पॉलीमर होते हैं सारे के सारे वो मैक्रो तो होते हैं लेकिन सारे मैक्रो पॉलीमर्स नहीं होते हैं इसी तरीके से सारी डाइस कलर्ड तो होती हैं लेकिन सारे कलर्ड कंपाउंड्स डाइज नहीं हो सकते क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा कि डाई बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ कंडीशन हैं जब वो सारी पूरी हो जाएंगी तभी हम किसी कंपाउंड को डाई का नाम दे सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉमर्शियल सिंथेटिक डाई सिंथेटिक का मतलब है एक हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया सिंथेटिक तो नेचुरल का मतलब हो गया जो प्राकृतिक तौर पे मिल रहा हो नेचर से मिल रहा हो और सिंथेटिक का मतलब हो गया जो इंडस्ट्री में बन रहा हो या इंसान उसको बना रहे हो तो पहला ऑप्शन है इंडिगो दूसरा ऑप्शन है मोव या फिर मोवीन तीसरा ऑप्शन है एलीजेरिन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोव डाई या फिर इसका ही दूसरा नाम होता है मोवीन डाई ठीक है तो ये पहली कॉमर्शियल सिंथेटिक डाई थी कॉमर्शियल का मतलब है जिससे पैसा कमाया जा सके ठीक है अगला क्वेश्चन है कॉन्गो रेड इज ए कॉन्गो रेड जो डाई है वो किस कैटेगरी में आती है पहला ऑप्शन है वेट डाई दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट डाई तीसरा ऑप्शन है मॉडेंट डाई चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी डायरेक्ट डाई डायरेक्ट डाई का सिंपल सा मतलब है कि इसको अपना कलर छोड़ने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है ये खुद कैपेबल होता है कलर देने के लिए अगला क्वेश्चन है एजोडाइस कंटेन विच मेन ग्रुप एजोडाइज जो होती हैं उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है पहचान क्या होती है तो पहला ऑप्शन दिया है दो बेनजीन रिंग साथ में जोड़ के जिसे हम कहेंगे नेपथथिलीन फिर दूसरा ऑप्शन दिया है एन डबल बॉन्ड एन फिर तीसरा ऑप्शन दिया है एसओ थ्री एच और चौथा ऑप्शन दिया है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन डबल बॉन्ड एन नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज़ मिथाइल ऑरेंज जो हमारी डाई है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में भी काम आती है इंडिकेटर की तरह वो और किस नाम से फेमस है तो पहला ऑप्शन है मेथाकोर दूसरा ऑप्शन है एलोड्रिप तीसरा ऑप्शन है हेली एंथिन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेली एंथिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्गो रेड इज ए पहला ऑप्शन है मोनोएज़ोडाई दूसरा ऑप्शन है डाईएज़ोडाई डाई। ये डिस नहीं है डाई है ठीक है डाईएज़ोडाई तीसरा ऑप्शन है ट्राईएज़ोडाई और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डाईएज़ोडाई मतलब इसमें दो एज़ो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो कांगो रेड कैसी कैसिडाई है एक डाईएज़ोडाई डाई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सिंथेटिक डायरेक्ट डाई पहली सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंसान की बनाई हुई डायरेक्ट डाई कौन सी है पहला ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज दूसरा ऑप्शन है इंडिगो तीसरा ऑप्शन है कॉन्गो रेड और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉन्गो रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेचाइट ग्रीन इज यूटिलाइज एस मेलेचाइट ग्रीन नाम की जो डाई होती है उसके और क्या क्या यूज होते हैं डाई होने के अलावा पहला है एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक का काम करती है दूसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक फॉर फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक का काम करती है तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी मतलब ये दोनों ही तरह से काम करती है ग्रीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है किस किस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी और फंगल इंफेक्शन में भी अगला क्वेश्चन है विच डाइज आर यूज एज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी आ, फंगल एजेंट्स पहला ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट दूसरा ऑप्शन है मेलेचाइड ग्रीन तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ दोनों ही तरीके मतलब दोनों ही जो डाई हैं वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करती हैं मतलब एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरियल फंक्शन में भी काम कर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करती हैं और फंगल इन्फेक्शन में भी काम करती हैं ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपाउंड यूज एज ल्यूब्रिकेंट फॉर बॉल बियरिंग वर्किंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड इज तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन ग्रीस दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन रबर तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन रेजिन और चौथा ऑप्शन है नन इसका राइट आंसर है सिलिकॉन ग्रीस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज इन सीलिंग ऑफ ज्वाइंट्स ऑफ जेट एयरक्राफ्ट तो पहला ऑप्शन है एल्काइल सिलिकेट दूसरा ऑप्शन है हेलोसिलेंस तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन फ्लूड और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेलो सिलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीफॉसफो नाइट्रिलिक क्लोराइड इज तो जो पॉलीफॉसफोनाइट्रिलिक क्लोराइड है उसकी बेसिक यूनिट क्या है मतलब ढांचे वाली यूनिट क्या है पहला ऑप्शन है एन पी सी एल दूसरा ऑप्शन है एन पी सी एल टू तीसरा ऑप्शन है एन पी सी एल थ्री और चौथा ऑप्शन है एन टू पी सी एल तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन पी सी एल टू अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इज जो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है उसका नेचर क्या है उसकी प्रकृति क्या है पहला ऑप्शन है बेसिक दूसरा ऑप्शन है एसिडिक सॉरी न्यूट्रल तीसरा ऑप्शन है एसिडिक और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए मतलब ऑप्शन ए बेसिक जो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होता है वो बेसिक होता है क्षारिय होता है प्रकृति में नेचर में द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लूकोज गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ए जी एन ओ थ्री बिकॉज इट कंटेन्स द ग्रुप सिंपल सी चीज़ ये पूछ रहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ठीक है किसके साथ मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट में हम किसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ए जी थ्री जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं जिससे हम टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं और इस पूरे टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं तो ये सिंपल ये पूछना है कि ग्लूकोज इस टेस्ट को पॉजिटिव क्यों देता है तो पहला ऑप्शन है उसमें कीटोन होता है दूसरा ऑप्शन है उसमें एल होता है तीसरा ऑप्शन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एल ग्लूकोज में एल होने की वजह से वो पॉजिटिव टेस्ट देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज़ एनोमेरिक कार्बन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्लूकोज है उनमें से कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है तो ऑप्शन हैं C2, C1, C4 और C3 ये केवल नंबर दिए हैं कि इतने नंबर वाला कार्बन तो जो, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी C1 जो C1 कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है ग्लूकोज में अगला क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज जो इन्वर्ट शुगर है वो क्या क्या होती है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं पहला है नॉन एज सुक्रोज सही बात है इन्वर्ट शुगर का नाम क्या होता है सुक्रोज होता है दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर कि नहीं जो हमारा सुक्रोज होता है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये गलत हो गया तीसरा ऑप्शन है इक्वि मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सही बात है सुक्रोज किसका मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ का मिक्सचर होता है तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है तो इसका मतलब जिसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो हमें नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट है वो कौन नेगेटिव देता है या कौन वो टेस्ट नहीं देता है पहला ऑप्शन है सुक्रोज दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुक्रोज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज कम कम्बाइंड विथ फिनॉल टू फॉर्म बेकेलाइट जो बेकेलाइट हमारा पॉलीमर है तो फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं जिससे हमें बैकेलाइट मिलता है पहला ऑप्शन है एच सी एच ओ इसका सिंपल सा मतलब हो गया फॉर्मल डिहाइट दूसरा ऑप्शन है सी एच थ्री सी एच ओ इसका मतलब हो गया इथेनल या फिर एसिटल uh, डिहाइड तीसरा ऑप्शन है सी एच थ्री सी डबल ओ एच इसका मतलब हो गया एसिटिक एसिड चौथा ऑप्शन है एच सी ओ ओ एच इसका मतलब हो गया फॉर्मिक एसिड तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर्मल डिहाइड एच सी एच ओ उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ पी वी सी पी वी सी का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड तो जो पी वी सी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका मोनोमर क्या होता है तो पहला ऑप्शन दिया है विनाइल साइनाइड दूसरा ऑप्शन दिया है विनाइल क्लोराइड तीसरा ऑप्शन दिया है टेफ और चौथा ऑप्शन दिया है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड आप इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जैसे मैं नाम लिया पॉली विनाइल क्लोराइड तो पॉली के बाद की जो भी पूरी नाम है पूरी नेमिंग है वो क्या हो गया वो उसका हो गया मोनोमर ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से पहला ऑप्शन है पीवीसी दूसरा ऑप्शन है पीवीए तीसरा ऑप्शन है पर्सप्लेक्स और चौथा ऑप्शन है बेकेलाइट तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बैकेलाइट अगला क्वेश्चन है नियोप्रीन इज मेड बाय मोनोमर न्योप्रीन कौन से मोनोमर से बना हुआ होता है पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्रीन तीसरा ऑप्शन है प्रोपाइलिन और चौथा ऑप्शन है इथिन तो नियोप्रीन किससे बना होता है राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन से बना हुआ होता है नियोप्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिलीन इज पहला ऑप्शन है पॉलीएस्टर, दूसरा ऑप्शन है पॉलीअमाइड तीसरा ऑप्शन है पॉलीथीन चौथा ऑप्शन है पॉलीईथर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पॉली एस्टर ठीक है मतलब इसमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है किसमें टेरिलीन में तो ये एस्टर वाली पॉली एस्टर वाली कैटेगरी में आता है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विच इज़ स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आर एन ए कौन सा आर एन ए हमें तीन टाइप के आर एन ए पता है तो कौन सा आर एन ए सबसे छोटा आर एन ए होता है पहला ऑप्शन आर आर एन ए देन एम आर एन ए और देन दिया है टी आर एन ए तो जो हमारा राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी टी आर एन ए टी आर एन ए सबसे छोटा आर एन ए होता है इन तीनों में ठीक है ये मेन टाइप हैं आर एन ए के उसके बाद हम सब यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं कहीं आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन इस जो टी आर एन ए है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहला ऑप्शन है क्लोवर लीफ टाइप दूसरा ऑप्शन है सनफ्लावर टाइप तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर शेप का और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए क्लोवर लीफ टाइप क्लोवर लीफ टाइप मतलब जो लॉन्ग होती है ना क्लोव होती है तो उसकी जो पत्ती होती है उसकी शेप का होता है हमारा टी अगला क्वेश्चन है तो यूए जी यू तो यूए जी यूजीए और यूए क्या है स्टॉप स्टॉप कोडोन्स हैं तो इनका और क्या क्या नाम होता है किस नाम से ये फेमस हैं पहला ऑप्शन है ओकर ओपल एंड एम्बर दूसरा ऑप्शन है एम्बर ओपल और ओकर फिर तीसरा ऑप्शन है ओपल ओकर एंड एम्बर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ डीस तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि यू ए जी को हम कहते हैं एम्बर या अम्बर यू जी ए को हम कहते हैं ओपल और यू ए ए का नाम है वो है ओकर ठीक है थोड़े अजीब नाम हैं बट यही है यही नाम है ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकते हैं क्योंकि स्टॉप कोडोन्स के बारे में वो पूछेंगे तो ज़रूर तो चाहे वो ये पूछ लें कि स्टॉप कोडोन्स होते कौन कौन से हैं चाहे वो ये पूछ लें कि भाई स्टॉप कोडोन्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं अगला क्वेश्चन है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए टू प्रोटीन इज नोन एस अब यहाँ पर आपको फोकस किस पे करना है यूनी डायरेक्शनल फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जो केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वापस उल्टा नहीं हो सकता तो डी एन ए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है अनुवांशिक सूचना है वो प्रोटीन तक जाती है उस यूनी डायरेक्शनल फ्लो को हम क्या कहते हैं तो पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल डॉगमा तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन चौथा ऑप्शन है नन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल डॉगबा अगला क्वेश्चन है द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पहला ऑप्शन है आर दूसरा ऑप्शन है डी तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स और चौथा ऑप्शन है नन तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है ह्यूमन बॉडी में डी में स्टोर होती है और डी से वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास हो जाती है हमारे आ, मतलब आ, आगे आगे वाली जनरेशन में अगला क्वेश्चन है एन नेम ऑफ एस्पिरिन इज एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है तो यह आराम से वो पूछ सकते हैं पहला ऑप्शन है सेलिसलिक एसिड दूसरा ऑप्शन है एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड तीसरा ऑप्शन है क्लोरो सेलिसिक एसिड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन अब इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एसिटाइल सेलिसलिक एसिड देन अगला क्वेश्चन है रेनीटिडीन इज रेनिटिडीन क्या है Uh, पहला ऑप्शन एनलजेसिक देन एंटासिड देन एंटीबैक्टीरियल एजेंट या फिर चौथा एंटीबायोटिक एजेंट तो जो रेनेटिडीन है वो असल में क्या है एक एंटासिड है एक टाइप का एंटासिड है तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो पहला ऑप्शन है एरोमेटिक रिंग दूसरा ऑप्शन है कीटोन तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल और चौथा ऑप्शन है एल्कीन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एल्कीन अगला क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स आर सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं पहला ऑप्शन है बैक्टीरियो दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियोसाइडल तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक और चौथा ऑप्शन है ए एंड सी मतलब बोथ ए एंड सी तो बोथ ए एंड सी से अगर हम देखें तो जो सल्फोनामाइड हुए वो क्या हुए बैक्टीरियो भी हुए और एंटीबायोटिक भी हुए ठीक है अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर सल्फामीथोक्साजोल इज पहला ऑप्शन है सल्फानेलामाइड दूसरा ऑप्शन है एनिलीन तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एनिलीन अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू दिए हुए चारों स्टेटमेंट में से कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ट्रू है पहला ऑप्शन है ड्रग्स एंड ड्रग टारगेट हैव सिमिलर वेट्स दूसरा ऑप्शन है ड्रग आर जनरली स्मॉलर देन ड्रग टारगेट ड्रग टारगेट का मतलब है कि वो वाली जगह जहाँ पर ड्रग को जाकर एक्ट करना है ठीक है तो तीसरा ऑप्शन है ड्रग्स आर लार्जर देन ड्रग टारगेट चौथा ऑप्शन है देर इज़ नो जनरल स्पेसिफाइड रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ ड्रग एंड ड्रग टारगेट और यही है हमारा राइट आंसर कि यहाँ ऐसा कोई भी रूल पर्टिकुलर नहीं दिया गया है जिससे हमें पता चल सके कि हमेशा ही जो ड्रग होता है वो कैसा होता है या जो ड्रग टारगेट होता है वो कैसा होता है उसका वेट ज़्यादा होता है या कम होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं बाइंडिंग साइट्स इज जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसकी क्या खासियत है वो क्या होती हैं पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट दैट इज ऑक्यूपाइड बाय ए ड्रग व्हेन इट बाइंड्स दूसरा ऑप्शन है पोर्शन ऑफ ड्रग टू विच ड्रग टारगेट बाइंड्स तीसरा ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप यूज्ड बाय ए ड्रग इन बाइंडिंग टू ए ड्रग टारगेट तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन हमें क्या बता रहा है कि जो बाइंडिंग साइट होती हैं वो असल में क्या होती हैं जो भी ड्रग फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करता है किसके लिए किसी भी ड्रग टारगेट से खुद को जोड़ने के लिए वो क्या कहलाती है वो कहलाती है बाइंडिंग साइट ठीक है अगला क्वेश्चन है इन आर एंड डी फॉस्फेट ग्रुप इज प्रजेंटेज आर और डी में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है पहला ग्रुप पहला ऑप्शन है फॉसफो ट्राइएस्टर दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक तीसरा ऑप्शन है फॉसफो और चौथा ऑप्शन है फॉस्फोमोनोएस्टर तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉसफो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डी एन में कौन सा दिया हुआ बेस नहीं पाया जाता है पहला ऑप्शन है थाइमीन दूसरा ऑप्शन है यूरेसिल तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन और चौथा ऑप्शन है एडीनाइन तो जो हमारा ऑप्शन बी है यूरेसिल है वो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है यूरेसिल आरएनए में होता है इसी तरीके से जैसे डीएनए एन तो, सॉरी थाइमीन डीएनए में होता है थाइमीन आरएनए में नहीं होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है प्यूराइंस फाउंड इन डीएनए पहला ऑप्शन है एडिनाइन एंड ग्वानिन दूसरा ऑप्शन है एडिनाइन एंड थाइमिन तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन एंड ग्वानिन और चौथा ऑप्शन है साइटोसिन एंड थाइमिन जो डीएनए है उसमें कौन से टाइप के प्यूराइन पाए जाते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एडीनाइन एंड ग्वानीन ठीक है और फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया है क्रिस्टल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स ये बात पे ज़ोर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक बार आपको कहीं कहीं पूछा जाता है कि ब्रेवियाज लेटिस कितने होते हैं तो वो अलग चीज़ है और क्रिस्टल सिस्टम ठीक है क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं वो अलग चीज़ है तो जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं ऑप्शन दिए हैं सात चौदह अट्ठाईस uh, और दस तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेवन ठीक है सात तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ये बात कर रहे हैं जैसे क्यूबिक ट्राईक्निक मोनोक्निकर्थोहै ऑर्थोरोम्बिक है ना ट्राइगोनल टेट्रागोनल तो ये वाले जो थे ये सब क्या थे क्रिस्टल सिस्टम थे हमारे सात तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्रिस्टल इज जो एन क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है पहला मोनोक्लिनिक होता है दूसरा ऑर्थोरम्बिक होता है तीसरा टेट्रागोनल होता है या फिर चौथा क्यूबिक होता है ठीक है तो ये कैसा होता है क्यूबिक होता है अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना जब क्रिस्टल मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके का एन में क्रिस्टल सिस्टम होता है, है ना अगर वो पूछें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो एन कैसा होता है एफ स्ट्रक्चर वाला होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है इन ब्रेक्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेस एन रिप्रेजेंट्स जो ब्रैग इक्वेशन होती है उसमें एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन और डी मतलब नन तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन वो कट आउट हो गया है कोई बात नहीं मैं बोल रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर इन आई एन ए सी एल एन सी एल में कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है पहला ऑप्शन है तेरह फिर नौ फिर तेईस और फिर है बाईस तो सही आंसर क्या है सही आंसर है ऑप्शन ए तेरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आइनिक रेडियस इन एन आइनिक क्रिस्टल इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू किसी एक आइनिक क्रिस्टल में जो आइनिक रेडियस का रेशियो है वो क्या है बड़ा है जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू से तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो पहला ऑप्शन है वन दूसरा ऑप्शन है फोर तीसरा ऑप्शन है सिक्स और चौथा ऑप्शन है एट तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिक्स ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है लुई वॉन द नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पहला ऑप्शन है डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज बाई द क्रिस्टल्स डिफ्रैक्शन ऑफ बीटा रेज बाई द क्रिस्टल्स डिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज बाई द क्रिस्टल सॉरी एल्फा रेज और चौथा ऑप्शन है नन तो ये हमेशा याद रखना किसके लिए किसका डिफ्रैक्शन हुआ था एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हुआ था बाई द क्रिस्टल्स जिसके लिए लॉय को आ, नोबल प्राइज़ मिला था जिसकी डिस्कवरी के लिए लोई को नोबल प्राइज मिला था लोई साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द कम्पाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपथेलिक एसिड यहाँ पर याद देन, ध्यान देना कि मैं कौन कौन से मोनोमर बोल रही हूँ एक तो बोला मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा बोला मैंने टेरिपथेलिक एसिड तो जो ऑप्शन हैं वो है ब्यूना एस नाइलॉन सिक्स टेरेलीन और नाइलॉन सिक्स सिक्स ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जो अब यहाँ पर ट्रिक क्या है ट्रिक सिंपल सी है कि आप ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है टेरिपथेलिक एसिड और आंसर क्या सही है टेरेलीन तो टेरी टेरी कॉमन हो गया पहचान सकते हो कि टेरिप एसिड से क्या बनेगा टेरेलीन बनेगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो मोनोवर्स हैं वो आपस में सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है तो पहला ऑप्शन है नाइलॉन दूसरा ऑप्शन है बेकेलाइट फिर है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन डी पॉलीथीन देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन इन विच टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स टेक पार्ट ठीक है सिंपल ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो पहला ऑप्शन है एडिशन दूसरा ऑप्शन है को पॉलीमराइजेशन तीसरा ऑप्शन है चेन पॉलीमराइजेशन या चौथा ऑप्शन है होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी को पॉलीमराइजेशन को का मतलब क्या हो गया समझ कैसे सकते हो को को का मतलब हो गया जैसे को ऐड होता है को ऐड मतलब ऐसी सं, ऐसी एजुकेशन संस्थाएं जहाँ पर लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं तो को का मतलब हो गया साथ है ना दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें साथ में आ रही हूँ तो जो मोनोमर्स हैं वो कैसे हैं दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं और वो आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं तो वो हो गया को पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ हेग्जामिथाइलिन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड यहाँ पर ध्यान देना फिर से मोनोमर्स पर कौन कौन से मोनोमर्स दिए हैं एक तो दिया है एडिपिक एसिड और एक दिया है हेग्जामिथाइलिन डाईमीन तो जो ऑप्शन ए है वो है डेकरोन देन रे ऑन देन नाइलॉन सिक्स सिक्स और तीसरा है टेफलॉन तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है नाइलॉन सिक्स सिक्स अगला क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज़ पहला ऑप्शन है पॉलीएस्टर एस्टर पॉलीअमाइड या फिर पॉलीसेकेराइड तो जो नेचुरल रबर होती है वो क्या होती है पॉलीआइसोप्रीन होती है सिंपल सा इसका मतलब हो गया कि जो नेचुरल रबर है उसका मोनोमर क्या हो गया उसका मोनोमर हो गया आइसोप्रीन ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीअमाइड कौन सा ऑप्शन क्या है पॉलीअमाइड है तो पहला ऑप्शन है नाइलॉन दूसरा ऑप्शन है पीवीसी, तीसरा ऑप्शन है टेरिलीन और चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन तो पहला ऑप्शन नाइलॉन जो है वो इसका राइट आंसर है क्यों क्योंकि पॉलीअमाइड का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलीमर जिसमें अमाइड की अमाइड जो ग्रुप होता है वो मिले वो लगा हुआ हो तो नाइलॉन में क्या होता है अमाइड ग्रुप होता है अमाइड ग्रुप का मतलब हो गया सी ओ एन एच ग्रुप पहले भी बता चुकी हूँ मैं द नेक्स्ट क्वेश्चन है वलकनाइजेशन एक्शन मेक्स द रबर जो रबर की वलकनाइजेशन की प्रोसेस होती है उससे रबर पर क्या असर पड़ता है पहला ऑप्शन है हार्ड मतलब रबर जो है वो हार्ड हो जाती है दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट तीसरा ऑप्शन है मोर फ्लेक्सिबल और चौथा ऑप्शन है वाटर सॉल्यूबल तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन सी मोर फ्लेक्सिबल ज़्यादा कैसी हो जाती है ज़्यादा लचीली हो जाती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है रबर किसके बाद वल्केनाइजेशन की प्रोसेस के बाद देन अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर इज चेन ग्रोथ जो पॉलीमर है उसका एक एग्जाम्पल पूछा गया है पहला ऑप्शन है टेरिल दूसरा ऑप्शन है टेफलॉन तीसरा ऑप्शन है बेकेलाइट और चौथा ऑप्शन है नाइलॉन सिक्स सिक्स तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टेफलॉन बाकी सारे कैसे हैं बाकी सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ हार्ड कौन सा पॉलीमर हार्ड होता है कौन से टाइप वाला पॉलीमर हार्ड होता है तो पहला ऑप्शन दिया है लीनियर दूसरा ऑप्शन दिया है क्रॉस लिंक तीसरा ऑप्शन दिया है थर्मोप्लास्टिक और चौथा ऑप्शन दिया है थर्मोसेटिंग तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि मेलेचाइट ग्रीन इज मेलेचाइट ग्रीन है पहला ऑप्शन नाइट्रोडाई दूसरा ऑप्शन नाइट्रोसोडाई तीसरा ऑप्शन एजोडाई और चौथा ऑप्शन ट्राई एराइल मिथेन डाई तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्राई एराइल मिथेन डाई अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई कौन सा एक बेसिक डाई का एग्जाम्पल है पहला ऑप्शन है एलिजेरिन दूसरा ऑप्शन है मेलेचाइड ग्रीन तीसरा ऑप्शन है इंडिगो और चौथा ऑप्शन है ऑरेंज वन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेलेचाइट ग्रीन अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाई प्रोड्यूसेस रेड कलर इन एल्कलाइन मीडियम पहली बात एंड बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम मतलब ऐसी कौन सी डाई है जो एल्कलाइन मीडियम का मतलब है बेसिक मीडियम क्षारिया मीडियम ठीक है तो बेसिक मीडियम में क्षारिया मीडियम में कौन सी डाई लाल कलर दिखाती है लेकिन जैसे ही वो डाई एसिडिक मीडियम में आ जाती है अम्लिक मतलब अम्लीय मीडियम में आ जाती है तो उसका कलर गायब हो जाता है वो कलर हो जाती है तो कौन सी डाई है भाई तो पहला ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज दूसरा ऑप्शन है एलिजैरिन तीसरा ऑप्शन है फिनॉलफिथिलीन और चौथा ऑप्शन है नन और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है फिनोपथिलीन है फिनोपथलिन में अगर रेड की जगह आपको डार्क पिंक भी दिया हो ना तब भी वही बात है ठीक है रेड की फैमिली का कलर होता है पिंकिश भी हो सकता है रेडिश भी हो सकता है अगला क्वेश्चन है ए डाई ऑप्टेंड बाय कपलिंग रिएक्शन इज नोन एज पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन डाई दूसरा ऑप्शन है सब्सिट्यूटेड डाई तीसरा ऑप्शन है एजो डाई और चौथा ऑप्शन है वाट डाई तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है उसका राइट आंसर है एजो डाई तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट का क्या फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर याद रखना पहला ऑप्शन है टी आई सी एल फोर प्लस ए एल सी एल थ्री टी आई सी एल फोर का मतलब हो गया टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और ए एल सी एल थ्री का मतलब हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर बी ऑप्शन है ए एल सी टू एच फाइव का होल थ्राइस प्लस टी आई सी एल फोर तीसरा ऑप्शन हो गया टी आई एफ फोर प्लस ए एल सी एल थ्री चौथा ऑप्शन हो गया नन ठीक है ये ए एल जो ऑप्शन बी है वो सही है ए एल सी टू एच फाइव का होल थ्री इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल ग्रुप है ना और टी आई सी एल फोर हमें पता है तो इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहलाता है अगला क्वेश्चन है विच इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर एक रिड्यूसिंग शुगर है पहला ऑप्शन है ग्लूकोज दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज़ और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी जिसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड सी मतलब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ है दोनों ही कैसी शुगर हैं रिड्यूसिंग शुगर हैं लेकिन जो सुक्रोज है वो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ नाइलॉन सिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है नाइलॉन सिक्स का दूसरा नाम क्या होता है ओरलॉन बेकेलाइट पर या फिर डेक्रॉन तो नाइलॉन सिक्स का दूसरा नाम क्या होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट मीन्स नाइलॉन सिक्स का जो एनदर नेम है वो क्या है परलॉन है अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर एन ए इज़ मोस्ट स्टेबल कौन सी टाइप का आर एन ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आर आर एन एम आर एन ए टी आर एन ए या फिर सारे ही स्टेबल होते हैं ऑल ऑफ़ दैम तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए आर आर एन ए अगला क्वेश्चन है रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड की रिपीटिंग यूनिट क्या होती है इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं तो जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूक्लियोसाइड दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड और तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड चौथा ऑप्शन है शुगर तो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कॉन्फ्यूज़न होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में जिसका जो सही आंसर है वो है न्यूक्लियोटाइड ठीक है न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप और मिला देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड को ही हम बार 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 जोड़ें तो बन जाता है न्यूक्लिक एसिड ठीक है अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बोथ या फिर नन तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट मीन्स सिलिकॉन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड मैनोज आर सी टू एपीमर्स सी फोर एपीमर्स सी थ्री एपीमर्स या फिर न तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या होते हैं C2 टू एपीमर्स होते हैं C2 टू एपीमर्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब हम ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है उस पर ओ OH एच की जो पोजिशन है वो चेंज होती है बाकी सारे कार्बन पर सेम रहती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए डीएनए और आरएनए में जिनकी फुल फॉर्म होती है डी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब हो गया राइबोस न्यूक्लिक एसिड तो इन दोनों में किस टाइप की शुगर मिलती है क्योंकि न्यूक्लिक नु, एसिड में हमें पता है क्या क्या होता है बेस होता है शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है तो हेक्जोस शुगर हैप्टोज पेंटोस या फिर नन तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसमें क्या होती है पेंटोस शुगर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग्स इक्वेशन इज शोन बाई जो ब्रैग इक्वेशन होती है वो क्या होती है किस फॉर्मूला से हम उसे दिखाते हैं किस इक्वेशन क्या मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्म है पहला ऑप्शन है एन लेमडा बराबर टू डी साइन थीटा दूसरा ऑप्शन है एन लेमडा बराबर थ्री डी साइन ठीटा एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा या फिर फोर्थ है नन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए एन लेमडा बराबर टू डी साइन थीटा अगला क्वेश्चन है नेचुरल नेचुरल रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ पहला ऑप्शन है ग्लाइकोल दूसरा ऑप्शन है आइसोप्रीन तीसरा ऑप्शन है ब्यूटाडाइन और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आइसोप्रीन नेचुरल रबर किससे बनी होती है आइसोप्रीन से बनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं इसको हम और कैसे पूछ सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज़ ठीक है किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट दूसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ही जब बहुत ज़्यादा मोलिकुलर वेट हो जाता है तो हम उन्हें प्रोटीन्स कह देते हैं इसलिए प्रोटीन्स को कभी कभी आपने पॉलीपेप्टाइड भी नाम से पढ़ा होगा तो प्रोटीन का भी रिपीटिंग यूनिट या फिर बेसिक यूनिट क्या हो गई अमीनो एसिड हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार निकालना आपको आना चाहिए अब एल्डो हैग्जोस हैज़ स्टीरियो आइसोमर्स मैंने कार्बोहाइड्रेट की वीडियो में पूरा अच्छे से फॉर्मूला बताया है कैसे निकलता है तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो एल्डो हैग्जोस के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं पहला ऑप्शन है सिक्सटीन दूसरा है ट्वेल्व फिर है फोर्टीन और फिर है टेन तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्सटीन एल्डो हैगजोस के सिक्सटीन स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉयड्स आर जो ऑक्टाहेड्रल वाले टाइप के वॉयड्स होते हैं उसका नंबर किसके बराबर होता है पहला ऑप्शन है टू टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉयड्स फोर टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉयड्स हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉयड्स एंड एट टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उसके आधे के बराबर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अब इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होंगे जितने भी हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसका हम कर दें दुगना ठीक है तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि पूछ किसके बारे में रहा है ऑक्टाहेड्रल के बारे में, में पूछे तो हाफ हो जाएगा टेट्राहेड्रल के बारे में पूछे तो डबल हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विच क्रिस्टल विच क्रिस्टलाइन सिमेट्री हैज़ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नाइन्टी डिग्री इनमें से जो हमें क्रिस्टल सिस्टम दिए हैं जो हमने साथ पढ़े थे कि सात क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनमें से किस में ये वाला जो कंडीशन है वो लागू हो रही है तो पहला ऑप्शन ट्राई दूसरा ऑप्शन मोनोक्लिनिक तीसरा ऑप्शन औरथोराम्बिक और चौथा ऑप्शन नन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्थोरम्बिक में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नाइन्टी डिग्री होता ही होता है ठीक है तो ऑप्शन सी राइट है देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी इंक्लूड्स पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ सिमेट्री लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ देम विच इज़ द राइट आंसर तो सारे के सारे किसमें आते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी में आते हैं मतलब इन तीनों लॉज से मिलकर बना है लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी अगली बार अगला क्वेश्चन है रिपीटिंग यूनिट ऑफ आरएनए आरएनए की रिपीटिंग यूनिट क्या होती है आरएनए क्या है न्यूक्लिक एसिड है तो किसी ना किसी तरीके का न्यूक्लियोटाइड ही इसकी होगी रिपीटिंग यूनिट तो इस तरीके से आप बी भी हटा सकते हो और ऑप्शन सी भी कैंसिल कर सकते हो अब बचा ए और डी तो जो आर होता है उसमें क्या होती है राइबोस शुगर होती है और जो डी होता है उसमें डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है तो आर का मतलब हो गया ऑप्शन डी सही हो गया कि इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एन इज गिवन बाई जो डीएनए है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था पहला ऑप्शन है सिडविक दूसरा ऑप्शन है पॉलिंग, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक चौथा ऑप्शन है नन तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था ठीक है दो जो हेलिसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज फॉर प्रोटीन्स पहला ऑप्शन है टॉलिंस टेस्ट फिर है बाईय टेस्ट तीसरा है सेपोनिफिक, सेपोनिफिकेशन वैल्यू टेस्ट और चौथा है नन तो प्रोटीन के लिए बहुत फेमस टेस्ट है जिसका नाम है बाई यूरिट टेस्ट ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द नेचर ऑफ जिटर आयन इज ए बेसिक बी एसिडिक सी एम्फोटेरिक डी नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी एम्फोटेरिक जो ज्विटर आयन होता है उसका नेचर कैसा होता है एम्फोटेरिक होता है मतलब एम्फोटेरिक सही नहीं है वैसे यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ न्यूट्रल ठीक है न्यूट्रल सही आंसर है न्यूट्रल होना चाहिए एम्फोटेरिक नहीं होना चाहिए न्यूट्रल क्यों होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं इक्वल अमाउंट में होता है इसलिए जो ज्विटर आयन होता है वो कैसा होता है न्यूट्रल ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ़ फ़िनाइल हाइड्रोजीन इन एक्सेस विद ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं एक्सेस बहुत अधिक मात्रा में कराऊं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ मतलब ग्लूकोज अधिक नहीं है फिनाइल हाइड्रोजीन अधिक मात्रा में है ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा फेमस क्वेश्चन है बहुत आराम से पूछा जाएगा पहला ऑप्शन है ऑक्साइम दूसरा ऑप्शन है ओसा तीसरा ऑप्शन है साइनोहाइड्रेन चौथा ऑप्शन है नन राइट आंसर है ऑप्शन बी ओसा बहुत फेमस है इसका प्रैक्टिकल भी बहुत फेमस है कि ओसा की फॉर्मेशन कैसे होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या रिश्ता रखते हैं क्या रिलेशन रखते हैं पहला ऑप्शन है एपी दूसरा ऑप्शन है एनोमर्स तीसरा ऑप्शन है बोथ चौथा ऑप्शन है टोटोमर्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी एनोमर्स ठीक है आपस में ये एनोमर्स होते हैं और ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो कौन सा होता है सी वन कार्बन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज इन नॉन स्टिक यूटेंसल्स यूटेंसल्स मतलब बर्तन जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं उसमें कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल होता है कॉमनली uh, तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन दूसरा ऑप्शन टेफ्लॉन तीसरा ऑप्शन टेरिलीन चौथा ऑप्शन डेकरॉन तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट मीन्स टेफ्लॉन टेफ्लॉन का सबसे जो खास यूज़ है वो यही है नॉन स्टिक के बर्तन बनाने में के काम आता है अगला क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ नाइलॉन सिक्स इज नाइलॉन सिक्स का मोनोमर क्या होता है पहला ऑप्शन है एडिपिक एसिड फिर है कैप्रोलैक्टम फिर है इथाइलिन ग्लाइकॉल फिर है नन तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कैप्रोलैक्टम जो होता है वो नायलॉन सिक्स का होता है मोनोमर अगला क्वेश्चन है एन अदर नेम ऑफ पी एम एम ए पी एम एम ए का मतलब हो गया पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट तो ये जो पॉलीमर है इसका और दूसरा नाम क्या है किस नाम से ये फेमस है तो पहला ऑप्शन है प्लेक्सी ग्लास फिर है पी फिर है ऑरलॉन और फिर है एक्रीलेट तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया प्लेक्सी ग्लास ठीक है पी एम एम ए किस नाम से फेमस है प्लेक्सी ग्लास फिर है इंडिगो इजे इंडिगो कौन सी कैटेगरी में आती है तो वेट डाई है डायरेक्ट डाई है मॉडेंट डाई है या फिर न तो इंडिगो क्या है इंडिगो एक तरीके की वेट डाई है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज इज़ ऑल्सो यूज एज मिथाइल ऑरेंज और किस काम आता है इंडिकेटर सॉल्वेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट या फिर नन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के तौर पे काम आता है अगला क्वेश्चन है कॉन्गो रेड इज़ यूज टू डाई जो कॉन्गो रेड होती है उसे हम मेनली किस टाइप के फेब्रिक को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉटन जूट सेलोजिक फाइबर या फिर ऑल ऑफ देम तो इसका राइट right आंसर हो गया ऑल ऑफ देम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस्ट स्टैंडर्ड रेशियो फॉर डी वन वन जीरो जीरो डी वन वन जीरो एंड डी वन 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 प्लेस इज ठीक है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी वन रेशियो रूट टू रेशियो वन अपॉन रूट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड जिसे हम वाइज लिख सकते हैं सी एस सी एल क्रिस्टलाइजेज इन ए बी सी सी ठीक है कि भाई जो सी एस सी एल है वो किस तरह से क्रिस्टलाइज होता है बी सी सी में क्रिस्टलाइज होता है अब ये पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल तो उसके यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे तो हमें सबको पता है कि जो बी सी सी होता है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं दो ये गलत टिक हो गया है पीसीसी में कितने होंगे दो ऑप्शन ए सही नहीं है ऑप्शन डी सही है ऑप्शन ए सही नहीं है ऑप्शन डी सही है चार नहीं होते हैं छः नहीं होते हैं आठ नहीं होते हैं कितने होते हैं दो होते हैं और जो एफ सी सी होता है उसमें कितने होते हैं उसमें होते हैं चार अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री रिलेशन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सेज ऑफ सिमेट्री तो जो ऑप्शन डी है रिलेशन ऑफ सिमेट्री वो इसका राइट right आंसर है रिलेशन ऑफ सिमेट्री कोई टाइप नहीं है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का बाकी तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के काम में मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में इंक्लूड करे जाते हैं अगला क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिक रबर इज इनऑर्गेनिक रबर के नाम से कौन सा कंपाउंड फेमस है कौन सा पॉलीमर फेमस है सिलिकॉन ग्रीस सिलिकॉन फ्लेड सिलिकॉन रेजिन या फिर पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक नाइट्रेलिक हेलाइट तो ऑप्शन सी पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक नाइट्रलिक हेलाइट जो होता है वो इनऑर्गेनिक रबर के नाम से फेमस होता है अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सिलिकॉन्स आर एल्काइल सिलिकेट्स ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर हेलोसिलेंस, नन तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर जो सिलिकॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू पहला ऑप्शन है वीक एसिड दूसरा ऑप्शन है वीक वेस्ट तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट सॉल्यूशन चौथा ऑप्शन है ऑल इनर्ट का मतलब यहाँ हो गया कि जो सिलिकॉन्स है वो किस चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा बॉन्ड नहीं बनाएगा केमिकल इसकी रिएक्शन नहीं होगी उसके साथ तो तीनों ही मतलब ना ही वीक एसिड से होगी ना ही वीक बेस से होगी ना ही किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से होगी तो जो सिलिकॉन्स हैं वो ऑल ऑफ दैम मतलब तीनों के लिए ही इनर्ट है द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फॉस्फेम इज फॉस्फेम क्या है एंड थ्री पी थ्री सी एल सिक्स एन थ्री पी थ्री सी एच थ्री का होल फोर एन थ्री पी पी थ्री एन एच का होल थ्री एंड नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एन थ्री पी थ्री और एन एच का होल थ्री ठीक है एन एच थ्री नहीं है यहाँ पर एन एच का होल थ्री ये होता है इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फेम मतलब फोसफेम का फॉर्मूला क्या है ये है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट केन शुगर स्टार्च ग्लूकोज ऑल ऑफ देम तो टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस कर सकता है केन शुगर का मतलब हो गया सुक्रोस तो रॉन्ग आंसर स्टार्च पॉली है तो ये रिड्यूसिंग नहीं होता है और तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज हाँ ग्लूकोज है राइट आंसर क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है जो कि टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है वो पॉजिटिवली देता है अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनोमर्स एनोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स एनोमर्स आर नॉट आइसोमर्स। एनोमर्स आर इनैंशियोमर्स या फिर नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए एनोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल पॉलीसेकेराइट जो एनिमल पॉलीसेक्राइट होता है मतलब कौन सा ऐसा पॉलिसेक्राइट है जो एनिमल पॉलीसेक्राइट के नाम से फेमस है एमाइलोज एमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन या फिर नन तो इसका राइट right आंसर है ग्लाइकोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स चेन आइसोमर्स या फिर नन तो इसका राइट right आंसर हो गया फंक्शनल आइसोमर्स क्या है फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाकी सब चीज़ तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट है फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोन होता है ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन न द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स सारी शुगर्स में से सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर कौन सी होती है फ्रक्टोज सुक्रोज गैलेक्टोज या फिर नन तो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रक्टोज फ्रक्टोज फेमस है हमारी स्वीटेस्ट शुगर के नाम से अगला क्वेश्चन है इफ़ मोनोसेक्राइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे कीटोस एल्डोस एनोमर कहेंगे या फिर ओसाजोन कहेंगे तो हम इसे इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी हम इसे क्या कहेंगे एल्डोस कहेंगे एल्डिहाइड से ही बना दिया एल्डोस ठीक है जो एल्ड है एल्ड नाम में है वो एल्डिहाइड का है और जो ओज नाम है वो किसका है वो शुगर का नाम हो गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्फा अमीनो एसिड ठीक है पहला दिया है एनएच टू सी एच टू सी डब्लू एच फिर दिया है एन एच टू सी एच टू सी एच टू सी डब्लू एच फिर दिया है एन एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डब्लू एच और चौथा दिया है नन तो भाई एल्फा अमीनो एसिड का मतलब हो गया कि जो कार्बन है मतलब जो भी हम फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं उसके जस्ट बराबर वाला जो कार्बन है उसी पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो देखो फर्स्ट वाले में क्या प्रेजेंट है अगर हम प्राय

ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होता है कायरल कार्बन एटम का मतलब है कायरल बोलो चिराल बोलो जो आपको सही लगे जैसे आपको याद रहे तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिस पे चारों बॉन्ड पे अलग अलग तरीके के एटम्स लगे हों अलग अलग सब्सिटेंट्स लगे हों तब वो कहलाता है कायरल कार्बन एटम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमीनो एसिड कंटेंस विच फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड में कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप होता है मतलब एन एच टू ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है मतलब सी डबलओ एच ग्रुप होता है बोथ होते हैं या फिर कोई सा भी नहीं होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड में इसलिए तो उसका नाम अमीनो एसिड है कि एक उसके नाम से ही हमें पता चल गया कि एक अमीनो ग्रुप है और एक क्या है एक उसमें कार्बोक्सी ग्रुप है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी एच एट विच एन अमीनो एसिड विल नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एस ऐसा कौन सा पी एच है मतलब अमीनो एसिड का के उस पी एच का क्या नाम है जब अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के होने पर भी इधर से उधर माइग्रेट नहीं करेगा तो पहला ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट दूसरा ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तीसरा ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रिक मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है नन जिसका जो राइट आंसर है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगला क्वेश्चन है द स्टिक बॉन्ड ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का वो खास बॉन्ड कौन सा है जिससे ये प्रोटीन्स जाने जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर नन तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड किसकी खासियत है प्रोटीन्स की खासियत है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड सल्फर ग्लास प्लास्टिक एंड रबर तो सही आंसर हो गया सल्फर सल्फर का आपने एस एट मॉलिक्यूल सुना होगा है ना तो एस सल्फर क्या होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ग्लास क्या है ए है रबर भी क्या है ए है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ए सी एल ईच एन ए पॉजिटिव आयन ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई जो एन ए सी एल क्रिस्टल है उसमें प्रत्येक सोडियम आयन के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स होते हैं तो पहला ऑप्शन है छः दूसरा है आठ दस और चार तो छः क्लोराइड आयन होते हैं एक सोडियम आयन के चारों तरफ किसमें एनए सी एल के क्रिस्टल में अगला क्वेश्चन है इंटरसेप्ट मेड बाय ए प्लेन ऑन क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सेस आर टू ए थ्री बी एंड टू सी तो इसके मिलर इंडाइसिस क्या है अब सिंपल साइज का पूरा तरीका मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसे फाइंड करते हैं मतलब हमें सादा रेशियो दिया है और उससे हम मिलर इंडाइसिस निकाल लेते हैं तो वो कैसे निकालते हैं तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी है थ्री टू थ्री ठीक है सीख लेना वहाँ से इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है देख लेना इस पर क्वेश्चन आएगा कि भाई मिलर इंडाइस पे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा पेपर में उसके बाद ब्रेविया लेटिस आर जो ब्रेवियास लेटिस होती हैं वो कितने टाइप के होते हैं सेवन टाइप फोर्टीन टाइप नाइन टाइप या फिर ट्वेल्व टाइप तो कितने टाइप के होते हैं फोर्टीन टाइप के होते हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है एन ए सी एल क्रिस्टल इज़ बी सी सी सिंपल क्यूबिक एफ सी सी या फिर नन तो एन ए सी एल क्रिस्टल कैसा होता है एफ सी सी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एस जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन जो है मतलब ऐसा पॉलीमराइजेशन ऐसा बहुलीकरण जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा हो तो उसको हम और के मतलब वो किस टाइप का होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन बोथ या फिर नन तो इसका ऑप्शन सही जो है वो हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is homopolymer? Teflon, glycosin. पॉलीथीन या फिर ऑल तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑल जो टैफलॉन होता है वो बो वो, वो भी होमोपॉलीमर होता है जो ग्लाइकोजन होता है वो भी जो पॉलीथीन होता है वो भी एक होमोपॉलीमर होता है होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर मिलकर इस पॉलीमर को बनाते हैं ग्लाइकोजन का टेफलॉन का आपको पता है पॉलीथीन का आपको पता है ग्लाइकोजन का जो होता है, है मोनोमर वो क्या होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन ये सब के सब ग्लूकोज से ही मिलके बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर डिग्रेडेशन इज जो पॉलीमर डिग्रेडेशन होता है वो कैसा होता है थर्मल होता है फोटो डिग्रेडेशन होता है मैकेनिकल डिग्रेडेशन होता है या फिर ऑल ऑफ देम तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ देम अगला क्वेश्चन है फ्रुक्टोज इज फ्रुक्टोज क्या है हेक्सोज है कीटोज है पेंटोज है बोथ ए एंड बी तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी किस तरीके से पहला तो बोल रहे हैं हेगोस मतलब ये छः कार्बन वाला हमारा शुगर है दूसरा बोल रहे हैं कीटोस तो इसका मतलब है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है कीटोन है नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज इज़ ए डाईसेकराइड ऑफ जो माल्टोज है वो किसका डाई सेक्राइड है कौन सी दो यूनिट मिलके माल्टोज को बनाती हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या फिर नन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ओसाजोन माल्टोज ग्लूकोज फ्रकटोज या फिर ऑल तो जो माल्टोज़ है वो ओसाजोन के फॉर्मेशन में काम नहीं आता है माल्टोज असल में वैसे है क्या माल्टोज एक डायासेकर है और ये ओसाजोन नहीं बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज सॉरी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट शुगर माल्टोज सुक्रोज स्टार्च या फिर फ्रक्टोज तो इसका सही ऑप्शन है सी स्टार्च क्यों क्योंकि स्टार्च क्या है पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड्स कभी भी शुगर्स नहीं होते हैं पॉलीसेकेराइड्स नॉन शुगर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली कार्बोहाइड्रेट दैट डज नॉट हैव कायरल कार्बन इरिथ्रोस ग्लिसरल डिहाइट डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन या फिर नन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है तो किस में नहीं होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एपीमर्स ऑप्शंस हैं ग्लूकोज एंड राइबोस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड मैनोज या फिर बोथ बी और बी एंड सी तो राइट right आंसर हो गया बोथ बी एंड सी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी एपीमर्स होते हैं ग्लूकोज एंड मैनोज भी एपीमर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर पहला ऑप्शन है ग्लूकोस एरिथ्रोलोस गैलेक्टोज़, ऑल ऑफ देम। तो सारी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ देम। सारी की सारी क्या है रिड्यूसिंग शुगर है नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन है ग्लिस्टरल डिहाइ ग्लूकोज सुक्रोज तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ग्लिस्टरल दिहाए. ये इंपॉर्टेंट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है डी फ्रेक्टोज सुक्रोज डी ग्लूकोज नन तो जो सुक्रोज होता है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है नेक्स्ट है ग्लाइसिन फॉर्म्स ग्लाइकोलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड सी एच थ्री आई एसिटाइल क्लोराइड या फिर नाइट्रिक एसिड तो इसका जो राइट right आंसर है वो क्या है नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड नहीं है नाइट्रस एसिड है अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स या फिर फिनन तो हमें पता है प्रोटीन्स की यूनिट होती है क्या अमीनो एसिड तो राइट right ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी प्रोटीन्स सॉरी ऑप्शन सी प्रोटीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी प्राइमरी क्वार्टनरी टर्शरी तो इसका राइट right आंसर हो गया ऑप्शन बी प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा स्थाई होता है जब भी कोई भी एक्सटर्नल मतलब इफेक्ट होता है टेम्परेचर का पी का तो सारे स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी प्रोटीन का ख़राब नहीं होता है प्रोटीन का डीनेचुरेशन जब होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी खराब नहीं होता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पेप्टाइड बॉन्ड आर सी ओ नेगेटिव सी ओ एन एच ओ एच या फिर आर ओ नेगेटिव तो राइट ऑप्शन इज बी सी ओ एन एच होता है पेप्टाइड बॉन्ड को शो करने वाला ग्रुप नेक्स्ट है आर आर एन ए इज अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल आर एन ए इन ए सेल ऑप्शनस हैं एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट नाइनटी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एटी परसेंट नेक्स्ट है एम आर एन एज़ अबाउट वाट परसेंट ऑफ टोटल आर एन ए इन अ सेल तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइव परसेंट तो ये थे सारे इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कलेक्ट करे आपके पूरे सिलेबस में से जो रेलिवेंट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के लिए इसके अलावा मेरी बात पर ध्यान देना इसके अलावा जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है उसमें क्वेश्चन की संख्या तो कम है लेकिन पूरे पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस वीडियो में समझाए हैं चैप्टर वाइज वो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखना उससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन से जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आई होप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों सबके बहुत अच्छे नंबर आए और मेहनत करो आप ख़ुद को वीक कभी मत समझो आप जो नहीं कर सकते हो उसके बारे में खुद से बोलो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ ठीक है अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता फिर भी खुद से बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकती हूँ तो बहुत आराम से आप उस चीज़ को सीख पाओगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच हैव कीप स्टडी